It's 5:35 in the morning. Welcome back to the channel, guys. This is me, Vishal Singh, and you are watching me at the rate of Vishalography. So let's begin. If you are a regular viewer of my channel, so you know that my day begins usually with exercise. बढ़िया लग रहा है ऊपर उड़ने। They're surrounded everywhere. अभी जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो बहुत सारे उस तरफ से गए थे जहाँ कैमरा रखा था। और ये और अभी लुक एक लुक दिखा तो अपने इधर का। सारे लग गए पेड़। पूरा लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। मोदी जी का कहा हुआ पूरा। वो देखो भाई कितने सारे कबूतर बैठे हुए हैं ऐसे ही। बढ़िया फीलिंग आ रही है इन्हें देख के सुबह सुबह। और अपना सूरज जो है वो उधर से ही दिखेगा। वो जो बीच में जो खाली जगह दिख रही है वहीं से उगता हुआ दिखता है। ऊपर भी बैठे हुए हैं कबूतर बहुत सारे। इसको हमारे यहाँ दरी बोलते हैं। मुझे नहीं पता आपके वहाँ क्या कहते हैं। कबूतर कबूतरों पे फोकस करके बढ़िया लगता है। सबसे बुरी बात है ना इस टाइम की कि हमारे इधर हरित विहार में भी कोरोना पेशेंट्स हैं। कल परसों एक बिल्डिंग पूरी सील कर दी गई है यहाँ पे। आप थोड़ा घबराहट हो रही है कि यहाँ पे भी आ चुका है और पता नहीं कब हमें हो जाए। क्योंकि शॉप्स एक ही हैं, वो जो शॉप्स है उसकी और अपनी सबकी कॉमन है। तो मे बी चांसेस हो वो उसी से लेता हो तो कम्युनिटी स्प्रेड का चांसेस है। पर अपन पूरा जो भी सेफ्टी मेजर्स है लेंगे, प्रिकॉशंस सारे लेंगे, देखते हैं कैसे होता है। और इम्यूनिटी देख रहे हैं थोड़ा और बढ़िया करने की। That's all for the best. 2017 में मैंने और मेरे दो तीन दोस्तों ने मतलब फ्रेंड सर्कल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था? हमने एक चैनल बनाया, पेज बनाया था फेसबुक पे। और उस वक्त ये मोनेटाइज होता था पेज, तो हमने बनाया था और मीम्स बनाते थे हम खुद से। कुछ कंटेंट इधर उधर से लेके बनाते खुद थे हम, तो वो हमने किया था। तो हमने बहुत मेहनत की थी उसे बढ़ाने की। उस टाइम पे बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था और हमने 1600 कर दिया था उसे। उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया। अभी दिखाते हैं फ्रेंड्स ऐसे मीम्स, फनी मीम्स शेयर करने की। और अभी इसके 1835 इतने, और हमने 807 पोस्ट नहीं 807 तक ही इस हफ्ते पोस्ट पहुंची है जो हम बनाते थे। अब तो हम इसको नहीं करते हैं, तब हम करते। जब स्कूल में थे तो हमने ग्रुप बनाया था, मैंने राहुल ने, वो एक दो बार वीडियो में आया था। तो हमने ऐसे एक टीम बना के किया था और हमने इसे बहुत अच्छे से किया स्टार्टअप की तरह। तब तो मेरे पास लैपटॉप नहीं हुआ करता, मोबाइल से बनाता था और वो सब भी बना देते ऐसे, उनके पास भी नहीं था। अभी सबके पास है पर सब अब दूसरा दूसरा करते हैं। अब हम तो ये भी स्टार्टअप की तरह ही था, हमने किया था। छत पर अंधेरा हो गया, मुझे लगा नहीं हुआ होगा बट हो गया। आए गए हैं तो आपको दिखा के जाएंगे कि नीचे का सीन कैसा है। पापा ने तो बिल्कुल बंद कर रखा हमारा गेट, पापा बिल्कुल नहीं जाने देते। और गली में सुनसान है, अपनी गली में भी पूरा।
हम इस चीज को पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और उम्मीद है आप भी फॉलो करते हो। अब चलते हैं नीचे। तो आज अगला दिन है और अपन दूध लेने जा रहे हैं पास के झोदरा डेयरी में। परमिशन है नहीं तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, वो टोक देते, तो कोई जा नहीं सकता अगर परमिशन ना हो। तो अभी मैं आपको यहाँ का मंदिर दिखाने वाला हूँ, बहुत बड़ा है। वहीं पे भैया की जब गाड़ी आई तो पूजा भी उसी में हुआ था। और ये साइड में भी है ऐसे वहाँ तो नहीं, ऐसे ही सही है भाई। हल्की में कुछ पुलिस वुलिस ने देख लिया, कॉलेज ने डिसाइड किया था कि इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए सारे प्रोसीजर हो गए थे, वेबसाइट बना दी थी ऑनलाइन लेने के लिए और सारे बच्चे बैठ भी देते। डायरेक्ट क्रैश कर गई साइट ही, 2000 बच्चे थे, एक हमारे BBA के, BA के और BBA BA के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी ईयर के थे सारे अपने अपने दे रहे थे एग्ज़ाम, उन सबका था और BCA का BBA का उन तीनों ईयर के भी, तो क्रैश कर गई थी साइट। और उससे पहले एक और सीन हुआ था, तो जब ग्रुप था तो अपन ग्रुप में क्या हुआ था ना कि एक तो कॉलेज ने सबको हटा दिया, मतलब वो कर दिया था कि मैसेज जो होता है ग्रुप के अंदर वो सिर्फ कॉलेज के स्टाफ ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सारे बच्चे आ गए गुस्से में, सब ने एक एक करके सब ने बॉयकट कर दिया ग्रुप का कि करो मैसेज, क्योंकि हम अपनी बात रख नहीं पाते थे। तो हमने आपस में डिस्कस किया था अनऑफिशियल ग्रुप में कि भाई जब हम अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं पाएंगे तो फिर इस ग्रुप का फ़ायदा क्या है, तो सब ने एक एक करके छोड़ दिया। तो टीम वर्क है हमारे में, तो सब ने छोड़ा तो अपन ने भी छोड़ दिया। ये हिमकरी ऐसे अपने इधर एक को हो गया है तो अपनी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत है। ओके हिमगिरी, ये देखो रोड खाली खाली सी, या तो अपने घर पे टाइम पबजी खेल के थे कि जाते जो टाइम होता है ना, ये बुराड़ी पुलिस स्टेशन है ना, वहीं से पुलिस जाती रहती है यहाँ, तो ज़्यादातर टाइम अपना घर पे क्वारंटीन करने में पबजी में ही निकल रहा है। तो थोड़ा पबजी में मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब पहले से थोड़ा सा बेटर बस। तो अब चलते हैं डायरेक्ट, जब तक अगर दूध लेने जा रहे हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, बस 100 वीडियोज़ होने वाले हैं मेरे।